Hey everyone, this is Aishwarya and welcome back to my channel. And I'm so sorry क्योंकि last week मैं कुछ भी post नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा busy चल रही थी, office, paper and ये वो सब, और उसमें मैं नहीं कर पाई shoot और कुछ post नहीं कर पाई. तो I'm so sorry for that. और today's haul is going to be a Meesho haul because मैंने Meesho इतना explore कर लिया है, इतना ज़्यादा कर लिया है कि मैंने बहुत कुछ चीज़ें मंगा के रखी है, बट कुछ रिसीव हुई है, कुछ नहीं हुई है. और ये हॉल थोड़ा मिक्सअप होगा, इसमें एक कॉर्ड सेट और ड्रेस, मतलब थोड़ा मिक्सअप होगा. तो मेरे पास तीन चीज़ें हैं क्योंकि मेरी बाकी चीज़ें मेरे तरफ अभी भी रिसीव नहीं हुई है. मैंने ऐसा सोचा था कि मैं क्वार्टर्स का अलग हॉल बनाऊंगी और ड्रेसेस और बाकी का जो बॉडीकॉन वगैरह ड्रेस होते हैं उसका अलग बनाऊंगी, बट आई हैव टू मिक्स इट अप बिकॉज आई हैव नॉट रिसीव्ड अदर आइटम्स, सो दैट्स वाई. तो या विदाउट एनी फर्दर बकवास, लेट्स जस्ट मूव इन टू अवर वीडियो. आई विल स्टार्ट विथ माई फर्स्ट आइटम एंड दैट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल, क्योंकि मैंने उसको जब देखा तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैं वाइट ज़्यादा प्रिफर नहीं करती हूँ पहनना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वाइट मेरे पे सूट नहीं करता है, दैट्स द रीज़न. तो मैं वाइट बहुत कम लेती हूँ, एक्चुअली मुझे वाइट बहुत ज़्यादा पसंद है. तो आई विल शो यू फर्स्ट, यार मैंने पैकेट्स निकाल के नहीं रखे है, शिट हो जाएगा एडजस्ट कुछ ना कुछ. आज मैंने वाइट पहले पहन रखा है, दिस इज ऑल्सो वाइट. एक्चुअली दिस इज नॉट माई टाइप. मैं बहुत मतलब डिसेंट तो छोड़ो यार, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा ना क्या, मैं बहुत ज़्यादा सिंपल, हाँ सिंपल सोबर पैटर्न्स प्रिफर करती हूँ. लेकिन अभी मतलब मैं सोच रही हूँ कि यार एकदम सिंपल सोबर हर कोई तो नहीं पहनता, तो मुझे हर किसी को हर किसी के हिसाब से कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा. तो ये पैटर्न हो सकता है किसी और को पसंद आए, तो मेरे को एक्चुअली मुझे अच्छा लगा है. सो दिस इज़ द ड्रेस विच इज़ इन वाइट कलर. ये आगे से ना एकदम इसे सिंपल से दिखती है और इसके ये हैंड्स है और यहाँ पे रिस्ट के अराउंड थोड़ा सा इलास्टिक भी है और ये ऐसा ट्रांसपेरेंट है, इसके हाथ है सारे. और पीछे से इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड फ्रॉम बैक ये टाइप थिंग है और पीछे से स्ट्रेच है और इसकी लेंथ अभी थोड़ी ज़्यादा दिख रही होगी, बट पहनने के बाद ये आपकी नीज से बात बहुत ज़्यादा ऊपर आएगा. तो इट लुक्स वेरी क्यूट, एकदम वो ऐसा सिंड्रेला वाला फील आ रहा था, बट मैं सिंड्रेला जैसे नहीं दिख रही थी, मैं भूत दिख रही थी. वाइट रेड लिपस्टिक भी लगा के हुए यार, सही में भूत दिख रही थी, बट ठीक है स्टाइलिंग के लिए मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया था तो मैं उस टाइम पे थोड़ा अच्छी दिख रही थी, नहीं तो ये मतलब मैंने जब पहले ट्राई किया तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था. बट हाँ पहनूंगी, कहीं पहन के जाऊंगी तो ठीक है, एडजस्ट हो जाऊंगी. और मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसमें मेरा साइज़ है एक्सेस, जैसे मैं हर बार बताती हूँ कि मुझे कुछ एक्सेस लगता है कुछ एस लगता है. मटेरियल एकदम सॉफ्ट है और इसके अंदर आपको वाइट कलर का कुछ इनरवेयर पहन के शॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, जैसे ये भी मीशो का ही टॉप है, बट यू कैन सी यहाँ से मेरे इनरवेयर का बेल्ट दिखता है. तो वाइट कलर का प्रॉब्लम यही होता है, तो यू हैव टू शॉर्ट बाय वियरिंग समथिंग वाइट अंडरनीथ एंड देन यू आर रेडी टू गो एनीवेयर. मैंने सोचा था इसका स्क्वायर नेक होगा बट इट्स नॉट. तो आप इसे ना कहीं पार्टीज में, खुद के बर्थडे में भी पहन सकते हो अगर किसी को पसंद है तो, और कहीं जा रहे हो घूमने, हिल स्टेशन पे भी पहन सकते हो, बहुत ज़्यादा क्यूट दिखेगा. और ये मुझे गिरा था 384 का समथिंग. इस पर लिखा है क्या? नहीं इस पर तो नहीं लिखा है. प्रॉपर वीडियो चलते चलते प्राइस मेंशन कर दूंगी, साइज एक्सेस है एंड इट्स वेरी 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 क्यूट. एंड या अवर नेक्स्ट थिंग इज, मैं बताती हूँ, विच इज़ इन ब्लैक कलर. तो ये ड्रेस एक्चुअली बहुत सारे और कलर ऑप्शंस में है, पिंक, येलो, ग्रीन, बहुत सारे कलर है, बट आई हैव चूज ब्लैक क्योंकि यार ब्लैक इज लाइक वर्सेटाइल कलर. सो आई विल शो यू फर्स्ट गाइज, दिस इज द ड्रेस. इसकी स्लीव ऐसी है, ऐसे पंखे वाली, ऐसे 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 पंखा भी कर सकते हो, क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ. और इसका जो नेक है ना, ये स्क्वायर नेक है, प्रॉपर स्क्वायर नेक है और पीछे से इट्स
वी कट में बैकलेस और यहाँ पे ऐसे टाइप थिंग है बैक से, तो ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था यार पहनने के बाद। मतलब इसमें मेरा साइज मैंने ऐसे बुलाया था, इसमें एक्सेस नहीं था शायद, आई चेक, हाँ एक्सेस है, सॉरी एक्सेस बुलाया था। और मतलब जैसे रिसीव हुआ ना उनको इतना बड़ा दिख रहा था, मैं सोच ही रही थी कि मैं इसमें फिट आऊँगी या नहीं आऊँगी, बट आफ्टर वेयरिंग दिस इट्स बॉडी अगेन। और जैसे मुझे बॉडीकॉन ड्रेसेस मेरे बॉडी पे बहुत सूट करते हैं, और मुझे पर्सनली बॉडीकॉन ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये ब्लैक कलर में है तो आप सोचो यार ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा होगा। जो मैंने अभी लिपस्टिक का शेड लगाया ना, मैंने उसी पे इसको पहन के ना वीडियो शूट किया है। दिस इज़ लुकिंग सो अमेजिंग। और इसकी भी, और ये हाँ मैं इसकी प्राइस नहीं भूल सकती हूँ, दिस इज़ जस्ट फॉर रुपीज़ 199 यार, 199 मतलब मीशो, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ब्लैक कलर है तो ट्रांसपेरेंसी का कोई इशू तो आएगा नहीं, तो अंदर आप कुछ ऐसे ब्लैक कलर का पहन सकते हो। यहाँ से जैसे आपको दिख रहा होगा कि कुछ दिख रहा है, बट नो, क्योंकि पीछे से बैकलेस है और ये सिर्फ सिंगल है तो वो दिखेगा भी कैसे। और दिस ड्रेस हैज़ माई हार्ट। आपका इसे थोड़ा एक्सेस अब भी होगा तो शायद आ जाएगा, लेकिन अपने साइज के हिसाब से बुला लेना इसको। तो आई हैड ऑर्डर्ड एक्सेस और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से फिट हुआ है। तो आई एम इन जस्ट लव विद दिस ड्रेस। बहुत सारे कलर ऑप्शंस है, तो इफ़ यू हैव टू चूज गाइज अदर कलर ऑप्शंस, इसमें पिंक कलर में बुलाने वाली थी, पहले मैंने पिंक कलर कार्ट में डाला, फिर सोचा कि नहीं ब्लैक, तो आई हैव ऑर्डर्ड ब्लैक एंड दिस इज अमेजिंग। ये भी बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बर्थडे, क्लबिंग, पार्टीज एंड अ लॉट मोर। बर्थडे के लिए तो बहुत ही मस्त, एकदम सस्ते में बढ़िया ड्रेस है। तो यहाँ मैं ना बहुत दिनों बाद मतलब वीडियो बना रही हूँ ना, तो मुझे ना ऐसे मतलब ऐसे सुकून मिल रहा है कि मैं कुछ अपने मन का कर रही हूँ, नहीं तो मैं हर चीज़ तो मजबूरी में ही करती हूँ। हाँ, तो लास्ट ड्रेस की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज दैट्स दी लास्ट ड्रेस एंड इट इज़ अ कॉर्ड सेट, और दो तीन कॉर्ड सेट मैंने मंगाए हैं, तो वो आएंगे तो उसका हम बाद में शूट कर लेंगे। तो ये मैं पहले दिखा देती हूँ, एंड दिस सेट इज़ ऑल्सो वेरी 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 अमेजिंग। मतलब इस पर ज़्यादा कुछ रेटिंग्स नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि यार ठीक है, एक बार ट्राई करने में क्या ही जाएगा, अगर नहीं अच्छा है तो रिटर्न तो कर ही सकते हैं। तो आई विल शो यू गाइज दिस सेट। मैं पहले इसको ना बांध लेती हूँ। मैंने इसको स्टाइल किया ना, तो मैंने इसकी डोरी नहीं बांधी थी। ओ, ये पीछे से बांधना है इसको। मैं ठीक है, मैं कैसी दिखाऊँ इसे, मैं पहले इसको सॉर्ट कर लेती हूँ अच्छा सा, मतलब आपको दिखाने के लिए कि एक्चुअली ये टाई कहाँ पे करना है, नहीं तो ये जैकेट के जैसे दिखेगा, जो कि ये है नहीं। तो मैं वीडियो तो लगा ही दूँगी, उसमें समझ ही जाएगा। सो दिस इज़ द टॉप, कैसे दिख रहा है। तो ये जो है ना, एक्चुअली ये जो नॉट दिख रही है पीछे से, मैं दिखाती हूँ। हाँ ठीक है, छोड़ो, मैं रेफरेंस पिक्चर डाल दूंगी तो उसके हिसाब से आप लोगों को समझ ही जाएगा। दिस इज नॉट एनी जैकेट, और यहाँ पे जो ये दिख रही है ना डोरिया, ये ऐसे पीछे लाके यहाँ पे क्रिस क्रॉस करके बांधनी है। एंड इसके नीचे का जो है स्कर्ट, वो भी रेड कलर में है। इसमें ब्लैक कलर भी था, बट मुझे पर्सनली ये रेड कलर लेना था। दिस इज़ दिस स्कर्ट, और ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। मैंने जब पहना था ना, तो थोड़ी लाइट में मैं जब खड़ी थी तो मुझे लगा कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, बट ठीक है नहीं है। ऊपर का थोड़ा हो सकता है अगर कुछ ब्लैक कलर का पहनोगे तो, बट रेड कलर में ऐसा कुछ तो दिखने नहीं वाला है जैसे वाइट में कुछ दिखता है। तो ये दोनों भी कलर सेम है ऊपर नीचे कॉर्ड के, और ये क्वार्ट सेट मुझे शायद 300 का या फिर 280 का समथिंग गया, 280 का गया। और इसकी स्लीव्स ऐसी इतनी है, और ये रिप्ड पैटर्न है, तो मुझे रिप्ड पैटर्न तो बहुत ही पसंद है ज़्यादा। और ये रेड कलर का इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और इसमें मेरा साइज़ एम है, क्योंकि वहाँ मेंशन था कि
एम में 32 बस, तो जहाँ पे भी मेंशन होता है बस 32, वहाँ पे फिर साइज एम हो एस हो एक्सेस हो, लेकिन साइज बस अगर 32 है तो मैं बुला ही लेती हूँ। दिस इज अमेजिंग क्वाड सेट इतने प्राइस में तो, एंड या दिस इज द बेस्ट फॉर बर्थडे। अगर आपका बर्थडे है तो बर्थडेज के लिए भी, पार्टीज के लिए भी, मतलब ये जो तीनों भी मैंने चीज़ें दिखाई वो बर्थडेज पार्टीज के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है। और जो व्हाइट कलर का वो तो हिल स्टेशन वगैरह पे आप इजीली पहन सकते हो। तो मैंने ये तीन चीज़ें बुलाई थी जो मुझे रिसीव हुई है एकदम ऑन टाइम पे। दो तो कल आई, मतलब एकदम ऑन टाइम मुझे जब शूट करना था तब, क्योंकि संडे को वीडियो पोस्ट करनी होती है और इतने गड़बड़ गड़बड़ में मैं पोस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ संडे को। सो या सो प्लीज़ बेयर विद दैट, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। तो इन सारों के कोर्स लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो यू गाइस कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। एंड अगर आपको कुछ पसंद आता है तो जाके फटाफट ऑर्डर कर लेना, क्योंकि प्राइसेस फ्लक्चुएट हो जाते हैं, कितने ही हो जाएंगे, और बहुत ही सस्ते में बहुत बढ़िया चीज़ें मिली है। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब करके जाना, नहीं तो क्या बोलूँ, सब्सक्राइब करके जाना प्लीज। और आई विल बैक विथ पॉजिटिविटी, फन एंड एक्साइटमेंट एंड अ लॉट मोर बकवास। तो चला मंडळी, भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओ तो व्हिडिओला, तोपर्यंत तुम्ही आपापले सगळे काळजी घ्या, मी पण घेते। हां या थँक्स फॉर वॉचिंग, बाय।